उमरिया जिले के शासकीय सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास बेलसरा में दर्जन भर छात्राओं की बेहोशी के मामले में कलेक्टर बुद्धेश कुमार बैद ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार छात्रावास अधीक्षिका केतकी सिंह को निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले के नौरोजावा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलसरा स्थित कन्या छात्रावास में मंगलवार को कई छात्राओं के बेहोश होने से हड़कंप मच गया था। जानकारी के मुताबिक सुबह से छात्रावास में बालिकाओं के बेहोश होने का सिलसिला शुरू हुआ था। देखते ही देखते लगभग 12 छात्राएं बेहोश हो गई थी। घटना की खबर लगते ही वहां हड़कंप मच गया। काफी देर बाद जब मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के मेहरा तथा तहसीलदार को घटना स्थल के लिए रवाना किया था। दरअसल जिला शिक्षा केंद्र के तहत संचालित नेताजी सुभाष चंद्र कन्या छात्रावास बेलसरा में आदिवासी वर्ग की 86 छात्राएं दर्ज हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार छात्रावास में बच्चियों के बेहोश होने की घटनाएं इससे पहले भी कई बार हुई, परंतु हर बार मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इस बार एक साथ 12 छात्राओं के बेहोश होने और वार्डन के भाग खड़े होने के बाद जरा ज्यादा बात बढ़ गई। आए दिन बच्चियों के बेहोश होने को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिसे सुनकर अभिभावकों में डर का माहौल पैदा हो गया है। कल हुई घटना के बाद अभिभावक 40 छात्राओं को छात्रावास से घर ले गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक घटना की वजहों का खुलासा नहीं होता, वे अपनी बच्चियों को वापस नहीं लाएंगे। वहीं जब छात्रावास में अध्ययनरत बच्चियों से बात की गई तो उन्होंने कई खुलासे किए, जिसमें उन्होंने भरपेट खाना न मिलने की बात कही, तो वहीं रात में वार्डन के द्वारा झाड़ फूक कराने की बात भी कही गई। छात्रावास में रह रही छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोगों को अधीक्षक के द्वारा न ही सुबह का नाश्ता दिया जाता और न ही दोपहर और रात का भोजन सही तरीके से दिया जाता। छात्रावास अधीक्षक के द्वारा सड़े गले फल फ्रूट और दोपहर के भोजन में कीड़े युक्त चावल दाल दिए जाते हैं तथा रात में खाने में केवल दो रोटी ही दी जाती है। बहरहाल उमरिया कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य के संज्ञान में मामला आने के बाद कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षिका केतकी सिंह को निलंबित कर दिया है। ये एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास है करकेली विकास खंड में हमारे जिले में। पिछले दिनों एक अखबार के माध्यम से इस बात की मुझे जानकारी हुई थी कि वहाँ की व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं है, बच्चियों को जो भोजन है वो ठीक नहीं मिल रहा है। तो इसका तत्काल संज्ञान लेकर के मैंने संबंधित अधिकारियों को वहाँ प्रेषित किया था और उसके बाद जो है वहाँ भोजन इत्यादि की व्यवस्थाओं को ठीक किया गया था। इसके बाद कल पुनः ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ बच्चियाँ जो है अस्वस्थ हो गई है और उनकी उचित देखरेख नहीं हो रही है। तो मैंने तत्काल जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम, हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से उस छात्रावास का निरीक्षण करने के लिए भेजा था और पूरी टीम ने जो है छात्रावास की पूरी व्यवस्थाओं की देखरेख करी है। देखरेख में प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि जो अस्पताल वहाँ जो छात्रावास में जो रखरखाव है, बच्चों के रहन सहन की जो व्यवस्था है, बिजली, शौचालय, वो स्थितियाँ थोड़ी संतोषजनक नहीं पाई गई। और जो अधीक्षिका है वहाँ पर एक केतकी सिंह ध्रुवे, उनको बार बार बुलाया गया कि व्यवस्थाओं के संबंध में बताएं, वस्तु स्थिति से अवगत कराया, तो वो भी मौके पर उपस्थित नहीं हुई। तो प्रथम दृष्टया ये गंभीर लापरवाहियाँ परिलक्षित हुई, इसीलिए जो अधीक्षिका है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसकी पूरी और विस्तृत जांच करेंगे और जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल जब हमने देखा तो जो बच्चियाँ थी वो कोई भी बच्ची अस्वस्थ नहीं पाई गई। जो आसपास के जितने भी अस्पताल हैं, नौरोजाबाद के, करकेली के और उमरिया में भी कोई बच्ची भी जो है उसमें हॉस्पिटलाइज नहीं पाई गई। जो बच्चे उपस्थित थे छात्रावास में उस समय उन सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और विभाग को पूरी हिदायत दी गई है और मैं व्यक्तिगत रूप से इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ कि बच्चों की अच्छे से देखरेख हो, ठीक तरीके से उन्हें भोजन मिले, उनके रहन सहन की बेहतर व्यवस्थाएं हो और उसका जो बेहतर प्रशासनिक प्रबंध हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।